नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत अखराड़ विद्युत सब स्टेशन से दर्जनों गांवों को बिजली न मिलने से किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण किसानों ने जिला कार्यालय में शिकायत की थी, लेकिन समस्याओं का निवारण न होने की स्थिति में क्रमिक अनशन किया गया है। स्थानीय ग्रामीण किसानों ने बताया कि बिजली न मिलने से ग्रामवासी परेशान हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को बिजली की समस्या निरंतर बनी हुई है, जिसकी शिकायत प्रशासन से अनेकों बार की गई, लेकिन समस्या का निवारण आज तक नहीं हुआ। अभी तो एक क्रमिक अनशन है, मांग पूरी न होने पर आगामी दिनों में हम सभी ग्रामवासी आमरण अनशन भी करेंगे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले में मीडिया को कुछ भी बताने से बचते नजर आए। जिला उमरिया अंतर्गत अखराड़ विद्युत सब स्टेशन से हम लोग सभी किसान लाइट प्राप्त करते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से विद्युत सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। कम वोल्टेज, कई ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कई जगह वायर जली हुई है। इस संबंध में हमने संबंधित जेई जो कि चंदिया के हैं, डी साहब को, कलेक्टर साहब को हमने इस संबंध में अवगत कराया है, लेकिन अवगत कराने के पश्चात भी हम किसानों की समस्या दूर नहीं हो पाई है, जिससे हम किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हम इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि तत्काल विद्युत सप्लाई की जाए, कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाया जाए, जले हुए ट्रांसफार्मर वायर बदले जाएं, एवं जो किसानों को नुकसान हुआ है विद्युत कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति। हम लोग सभी किसान भाई बंधु जो है यहाँ कौड़िया 5 अक्टूबर से बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। हमारी समस्या है बिजली, कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर जले हुए और गली हुई तारों को बदलना, जो कि हम लोग जो है डी ऑफिस उमरिया हुए गए, कोई सुनाई नहीं हुआ। कलेक्टर साहब के यहाँ गए, अपर कलेक्टर के यहाँ गए, जेई साहब के यहाँ गए, कोई नहीं सुना। तो हम 5 अक्टूबर को यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और यदि मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो इसको जो है आमरण अनशन के रूप में भी हम बदल सकते हैं। मैं लल्लू सिंह, ग्राम कौड़िया। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो किसानों की समस्याएं हैं कि पूरी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और ये जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमारे किसानों से बीमा कराया जाता है, मैं बीमा कंपनी से, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे किसानों का सर्वे कराया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी किसान बारी बारी करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। पेश है उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।